खुशी मना दी है। जिन लोगों ने हमको हमारे लिए देश में प्रवासी बनाया है, उनसे हिसाब किताब चुकता करने का वक्त आया है। इस बात को याद रखिएगा कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या जरूरी था हमको पीएचडी करने के लिए बाहर जाने का? यही पढ़ते रहे। बिहार में ही यदि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया होता तो यही पटना में रहकर के पीएचडी करते। और कभी कभी ये लोग, जैसे सियार लगा हुआ आपने सुना होगा, कभी ये लोग जबरदस्ती बिहारी बनने के लिए लिट्टी चोखा खाते हुए नजर आते हैं। खाली लिट्टी चोखा हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग मुजफ्फरपुर में लीची भी उगाते हैं, हाजीपुर में केला भी उगाते हैं, सासाराम में धान भी उगाते हैं, बेगूसराय में मक्का भी उगाते हैं, और ये चंपारण की धरती है, यहाँ गन्ना भी उगाते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में टीवी सीरियल चल रहा है? टीवी सीरियल नहीं चल रहा है। बिहार के 12 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। इसीलिए ये गठबंधन हमने सिर्फ उस सीट जीत जाने के लिए नहीं बनाया है, ये गठबंधन हमारी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है, यह गठबंधन हमने ईगो के आधार पर नहीं, अवसरवादिता के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर बनाया है कि बहुत हो गया जनता से ठगना, अब जनता को ठगने नहीं देंगे। बिहार के युवाओं ने ठाना है, नया बिहार बनाना है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या गड़बड़ी है हमारी? भाई कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, तो मोतिहारी में कोचिंग नहीं खुलेगा जी? क्या जरूरी है जमीन बेच करके, जमीन को सिर भरना लगा करके, बैंक से लोन लेकर के बच्चा के पढ़ने के लिए भेजते हैं कोटा? बच्चा करता है 3 साल तैयारी, खाता है खिचड़ी, ऐसे लगता है जिसे परमानेंट रिलीज का बीमारी हो गया। आंख खोल करके हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर मोती कमाई लेकर के इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहते हैं पकौड़ा कट गए। मोदी जी आपको न आलू प्याज का भाव नहीं मालूम है, आलू प्याज का दाम पूछते हुए आए। प्याज बोला है 50 रुपए किलो, अब बोला पेट्रोल से प्याज निकालना चल गया है कि पेट्रोल 100 होगा कि प्याज 100 होगा? हाँ तो खुदरा आदमी होगा, हम थोक हम पूछ लिए हैं, सही का हिसाब पूछ के आए हैं। तो आप मुझे बताइए कि 60 रुपये 70 रुपये किलो प्याज जब होगा तो कैसे पकौड़ा चला जाएगा? सवाल ये है, जब नेता 8.5 हजार करोड़ का फ्लाइट से घूमता है ना, तो उसको जमीन का भाव नहीं मालूम होता है। एसी में रहने वाले लोगों को जेट की डुपारी के बारे में पता नहीं होता है। जिसने सावन का बार नहीं देखा उसको पता नहीं चलता है कि जीवन की कठिनाई क्या होती है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, हम आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं।